पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो से मिलने सेंट्रल लंदन के इलाके केंसिंगटन पहुंचे। बीबी, आप 4 साल से जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा कौन सी चीजें याद आती हैं? बहुत सी चीजें याद आती हैं, मुल्क की फिजा, गुलाबों की खुशबू, भोरी बाजार में जाना, लोगों से मिलना हल्के के अंदर, बरसी का मौका, सियासी जलसे जुलूस में शरीक होना, मुज़ाकरात जो चलते थे पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर, इतने चीज हैं, सियासी हैं, सकाफती हैं। मुल्क के बर्फियां मैं मिस करती हूँ, दाता साहब के सामने और सेवन शरीफ जाकर के हाजिरी देना मैं मिस करती हूँ। हजार चीजें हैं, लाखों चीजें हैं, मैं कहानी किधर से शुरू करूँ। लाहौर प्रेस क्लब में मौजूद सहाफियों से बजरिया टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब किया। जनरल साहब जब इख्तदार में आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 साल की मुद्दत दी थी ताकि असेंबली मुंतखब हो, नए असेंबलियां मुंतखब हों। खाना लग गया मेरा, प्लीज मेयोनेज़ और भी। आपको कुकिंग क्या आती है? मैं कुकिंग करती हूँ, मैं ज्यादातर रेसिपी बुक से तो इंसान सब खाना पका सकता है, पाकिस्तानी खाना भी पका सकता है, और मेरे को ज्यादातर वो जो हैदराबादी डक्कन के खाने हैं खट मिट के, वो मुझे पसंद है, आलू के, टमाटर के, और इटालियन खाना चिली कॉन कानी या मैक्सिकन है, कीमा और लाल लोबिया या फिर स्पगेटी, मैं अपने बच्चों के लिए वक्तन वक्तन बनाती हूँ। कुछ हर्ब बहुत पसंद है, जैसे मेरे खाने में मैं चिली कॉर्न कानी बनाती हूँ या स्पगेटी बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा ऑरिगानो डालती हूँ, या जब मैं वो आलू के साथ बनाती हूँ तो मैं ज़्यादातर राय इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, जो छोटे काले कलौंजी और राय, मगर ज़ीरा भी बहुत अच्छा है, अगर आप पहले उसको गर्म तेल में डाल दें बहुत फ़र्क हो सकता है, धनिया, हल्दी, और आजकल के ज़माने में मालूम हुआ है कि ये सब सेहत के लिए भी अच्छे हैं। अभी आप पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी, आप पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन में काम की तकसीमकार कैसे चाहती हैं कि मर्द कौन से काम करें और ख़वातीन कौन से काम करें? तकसीम करना तो बहुत मुश्किल है, इससे जो काम ख़वातीन करती हैं जैसे खाना पकाने के भी आप बात कर रहे हैं वो मर्द भी कर सकते हैं, और जो काम मर्द कर सकते हैं वो जैसे जंग में लड़ना वो तो ख़वातीन भी करती हैं, तो तकसीम करना मुश्किल है, मगर ये हर एक के ऊपर आज़ादी होना चाहिए कि वो फैसला करें कि वो काम करने चाहते हैं, नहीं करने चाहते हैं, किस किस्म का काम करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये अल्लाह ताला के तरफ से था कि मैं जला वतन हो जाऊँ ताकि मुझे मौका मिले बच्चों के साथ वक्त गुजारना, क्योंकि एक माँ के दिल में ये बात भी होती है कि काम भी मैं करूँ मगर बच्चों को तो नज़रअंदाज नहीं करूँगा, दे माइनर्स, इसलिए उस वक्त वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं खुश नसीब हूँ एक तौर से कि ऑल द तकलीफ के बावजूद मैं बच्चों के साथ होमवर्क कर सकी, जब उनके दांत गिरे हैं तो मैं साथ थी, जब उनको पहले दिन स्कूल ले जाना था मैं साथ थी, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो सब कुछ मैं नहीं कर सकती। मुझे ज़्यादातर अफसोस होता है ये शाहनवाज की बेटी के लिए कि उसके पास बाप नहीं था स्कूल ले जाने के लिए, उसके साथ होने के लिए, और छोटे जुल्फ़िकार के लिए, क्योंकि जब मुर्तज़ा शहीद हुआ तो बहुत छोटा था, बेटी तो फिर भी उसका ख्याल रखता था जब दमिश्क में था, मगर छोटा बेटा जो था बहुत जल्दी बाप खो दिया।
آپ کو کون سا شاعر پسند ہے اور کیا سیاست میں شاعری کا کوئی تعلق ہے؟ سیاست میں تو شاعری کا تعلق ضرور ہے، اس لیے جو شاعر ہیں وہ دل کے درد سے لکھتے ہیں اور ان کے شاعری اس وقت اچھے ہیں جب وہ کچھ مشکل میں ہوں. میرے کو موقع نہیں ملا کہ میں اردو شاعری سیکھوں. ویسے آصف کو اردو شاعری کا بہت شوق ہے، تو جب سے میری شادی ہوئی وہ مجھے یہ شعر شاعری سناتے ہیں، اور جب جیل میں پہلے تھے تو مجھے ہر دن ایک پوئم لکھتے تھے، تو میں کبھی کبھی ان کو دھمکی دیتی ہوں کہ میں وہ سب ان کے جو پوئمز ہیں کتاب میں شائع کروں گی، مگر وہ اجازت نہیں دیتے کہ میں شائع کروں. بی بی وہ رومانٹک پوئٹری ہوتی ہے یا سیاسی پوئٹری؟ یہ آپ کو اس سے پوچھنا پڑے گا. مگر جہاں تک میرے کو اپنا جو شوق ہے، مجھے شیکسپیئر سے بہت شوق تھا، اور جب میں چھوٹی تھی تو میں شیکسپیئر بہت سے شیکسپیئر پلیز کو جانتی تھی اور ان سے میں کوٹیشنز لے لیتی تھی اور میرے تقریروں میں یا میرے ڈبیٹس میں اسکول میں ڈال دیتی تھی. نوابزادہ نصر اللہ خان سے سیاسی صلاح مشورہ کیا. آپ کی جماعت اور بہت سی دوسری جماعتوں نے اے آر ڈی کا اتحاد بنا رکھا ہے، کیا آپ اے آر ڈی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں اے آر ڈی کے کارکردگی سے بہت مطمئن ہوں. مشکل صورتحال میں اے آر ڈی قائم ہوا، اور اس وقت جو جمہوری جد و جہد ہے پاکستان کے عوام کی، اس میں اے آر ڈی کا بہت اہم کردار ہے. پاکستان میں حکمران جماعت کے حامیوں کا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتیں تحریک چلانے میں ناکام ہو چکی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ تو درست ہے کہ حکمران کا خیال ہے کہ تحریک چلانے میں سیاسی جماعتیں ناکام رہی. حقیقتاً بات یہ ہے کہ لوگ پہلے جلسوں میں جاتے تھے خبر لینے کے لیے، کیونکہ اخباروں میں بہت کم خبر چھپتی تھی، تو ابھی خبر لینے کے لیے اتنی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے. پارٹی کے رہنما بھی مذاکرات میں شریک ہوئے، اس دوران ان کے بچے بھی وہیں آ گئے. آپ کی اپنی ماما کے بارے میں کیا فیلنگز ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں ان کے مثبت پہلو کیا ہیں، پازیٹو پوائنٹس کیا ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں؟ There are a lot of good points. I'm not really sure of the bad ones yet. I don't know what to answer yet. Pakistani politics mein are you interested? We're all interested in politics, but now we've got studies, so we wait till the future and see where that takes us. You are interested in military? Yes. In what aspects? I think they're really a good part in the future and we need them a lot. Why do you want to join the military? Because I think they're really cool and they're really strong and we need them, basically. And we're going to stop the army coups by joining, good people joining. And that too. So say it, na? Positive points both acche hain, main pata nahi, negative points main nahi pata. Aapko Pakistani siyasat mein dilchaspi hai? میں بہت انٹرسٹڈ ہوں. کیا چیز اچھی لگتی ہے پاکستان کی؟ اٹس نائس، اٹس مائی کنٹری اینڈ اٹس مائی کنٹری. کوئی شکایت ہے آپ کو اپنی ماما سے؟ نو ناٹ ریئلی، آئی تھنک شی از ا ویری پاورفل رول ماڈل اینڈ دیٹ ول ریئلی ہیلپ می ان مائی فیوچر، بٹ دیئر از نو نیگیٹو پوائنٹس. پاکستانی پولیٹکس میں آر یو انٹرسٹڈ؟ مے بی ناٹ ان دی پولیٹکس، بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل. آپ کو اپنے پاپا یاد آتے ہیں؟ یا ویری مچ، آئی مس. پاکستان میں آپ کے مخالف بہت سے حلقوں کا خیال ہے کہ آپ یہاں بہت پرتعیش زندگی گزار رہی ہیں، سچ کیا ہے؟ میں یہاں بھی کوئی مجھے شکایت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال تو کیا، گھر ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، مگر اصلی طور میں وہ جو میرا انفراسٹرکچر ہے پاکستان میں وہ یہاں نہیں ہے. میں بلاول ہاؤس ہو یا نودیرو ہاؤس ہو یا اسلام آباد، ادھر میرے پاس بہت سپورٹ سسٹم ہے، میرے پاس بڑا سٹاف ہے، تو لوگ آتے ہیں چائے بنانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، میرے پاس ڈے آپریٹر ہے، نائٹ آپریٹر ہے، میسیجز مجھے ملتے ہیں. یہاں میرے پاس ایک ہاؤس بوائے ہے، کبھی یاد کرتا کبھی یاد نہیں کرتا، کبھی بچے فون اٹھاتے کبھی نینی فون اٹھاتے ہیں.
मेरे पास वहाँ बहुत सेक्रेटेरियल सपोर्ट है और जो लोग खत भेजते हैं सबका जवाब जा सकता है. यहाँ मेरे पास बहुत कम सेक्रेटेरियल सपोर्ट है तो इसलिए जाहिर है अपने मुल्क के अंदर गाड़ियां हैं. इधर मेरे पास जब भी मेरे को गाड़ी चाहिए तो मुझे बताते हैं बच्चों का स्कूल का वक्त हो गया है या बच्चे ट्यूशन के लिए गाड़ी ले गए हैं. तो वहाँ तो बच्चों का अलग गाड़ी होता है, मेरा अलग गाड़ी होता है, आसिफ का अलग गाड़ी होता है. तो यहाँ कितनी गाड़ियां आपके पास? यहाँ तो मेरे पास कोई गाड़ियां, मेरे पास है गाड़ी दुबई में और मैंने यहाँ एक गाड़ी ली थी मगर बहुत मुश्किल है यहाँ पार्किंग करना तो मैं ज्यादातर चला नहीं सकती. मगर मेरे पास वहाँ ड्राइवर्स हैं और यहाँ तो मेरे पास ड्राइवर नहीं है. तो जाहिर है वहाँ तो किधर जाना हो तो आप कह देते हैं मुझे बाहर जाना है, गाड़ी भी मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है, आप जा सकते हैं. किसी खत को फोटो स्टैट करना है तो आप कह देते हैं दे दो फोटो स्टैटिंग के लिए, लीफलेट हो या आर्टिकल अखबार का हो, फोटो स्टैट वो करके आ जाता है. यहाँ फिर देखना पड़ता है कोई है नहीं है, बिलावल तुम कर लो, बख्तवार वो नहीं कर सकते फिर मैं करती हूँ. शुक्र अल्लाह भी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो तीनों मेरे असिस्टेंट्स बन रहे हैं. एक को मैं कतर ले गई, एक को मैं नेपाल ले गई और जो सबसे छोटी है यहाँ लंदन में फोन को मैं सिखा रही हूँ कि कैसे जवाब देते हैं. बच्चे कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान? बच्चे तो अपने बाप को सबसे ज्यादा मिस करते हैं और वापस जाने चाहते हैं. जाहिर है जब वो वापस जाते हैं पाकिस्तान के अंदर हमारे भाई बहनों को इतना इज्जत और एहतराम देते हैं कि उनका दिल मोहब्बत से भर जाता है. वो हर वक्त मुझसे पूछते हैं वापस कब जा सकते हैं, कभी भी मौका हो मैं कहती हूँ बच्चे आए हम बात करें वापस कब जाएंगे. तो फिर मैं कहती हूँ ये तो मैं जवाब नहीं दे सकती, ये तो अल्लाह के हाथ में है. तो छोटी कहती है मुझे अदालत भेजो, मैं जज को कहूंगी तुमने मेरे बाप को क्यों लिया. बीबी आपकी शोहरत तो बहुत बहादुर औरत की थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके मुखालिफ कहते हैं कि अब आप जेलों से डरती हैं. वो तो कहते हैं कि मैं जेलों से डरती हूँ और उनका हक है कहना जो उनकी मर्जी, मगर मैं समझती हूँ कि एक मार्शल लॉ हुकूमत के साथ मुकाबला करना जुर्रत के बगैर नहीं हो सकता है. मैं समझती हूँ कि एक हस्बैंड को जिसको यरगमाल किए हैं 7 साल के लिए, जिसको कहते हैं कि तुम्हें छोड़ेंगे, तुम्हारी बीवी एक स्टेटमेंट दे दे कि सियासत छोड़ देगी वो किसी के ऊपर हो तो उनको फिर मालूम होता है कि क्या है. मगर मेरे दुश्मन जो कहें या ना कहें मैंने एक स्टैंड ली हूँ और वो स्टैंड कायदे आजम और कायदे अवाम के पाकिस्तान के लिए है, एक वफाकी जमहूरी और अवामी पाकिस्तान. और वो स्टैंड लेना और एक पूरी रियासत का मुकाबला करना, मैं तो गरीब अवाम की मशहूर हूँ कि उनकी दुआओं से मुझे वो हिम्मत मिली और पार्टी के रुफकार की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने साथ दिया कि पूरी रियासती कुव्वत को डिफाई करना और उनके सामने खड़ा होना और कि अल्लाह ने हमें ये हिम्मत दी. यानी कि ये कोई ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जो चीजें किए जाते हैं. एक कभी कभी मैं जोकिंगली कहती हूँ कि मैं एक डिवीजन ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को कमांड करती हूँ क्योंकि मेरे को ऑब्जर्व करना, मुझे फॉलो करना, मुझे टैप करना, मेरे ईमेल को हैक करना, मेरे फैक्सेस को हैक करना, जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको मिल करके मालूम करना राउंड अबाउट वे में कि क्या क्या बातें हुई, मेरे को फॉलो करना अमरीका लंदन दुबई, उसके लिए कम अज कम एक डिवीजन लोग बैठे मे बी इवन अ कोर अगर हम नैब और इदारों को डाल दें. दीदी आपकी पाकिस्तान वापसी में क्या रुकावट है? मैं समझती हूँ कि मेरे बाहर रहने से एक एहतजाज होता कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं, पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि नाम नहाद जमहूरियत है. मेरे बाहर रहने से साबित होता है कि ऑल इज नॉट वेल, कि वहाँ समथिंग इज रॉन्ग विद मुशर्रफ रूल. अगर मैं जाऊंगी वापस तो एक किस्म का मैं मुफ्त में उनको सर्टिफिकेट दे रही हूँ और कुछ मुझे वापसी में नहीं मिल रहा, मेरी जमात को नहीं मिल रहा. अगर मैं वापस जा रही थी, इलेक्शन में हिस्सा लेती, पार्लियामेंट के अंदर जाती तो एक किस्म का उनको सर्टिफिकेट या लिजिटिमेसी मिल जाती. हम ऑपोजिशन में भी होते हैं मगर पार्टी को भी कुछ होता कि मैं असेंबली के अंदर मौजूद होती, मगर जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ ही नहीं सकती हूँ तो एक मुफ्त सर्टिफिकेट उनको देना मैं क्यों दूँ. जलावतनी से मैं एक प्रोटेस्ट कर रही हूँ और उनको लिजिटिमेसी डिनाई कर रही हूँ. मोहतरमा हाल ही में स्विस अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, पाकिस्तान में आपके मुखालिफ हलके का ख्याल है कि इससे आपकी शोहरत को सख्त नुकसान पहुंचा है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कोई स्विस अदालत ने मेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया. एक मैजिस्ट्रेट था जिसकी इक्विवेलेंट पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और उसने एक एडवर्स फाइंडिंग दी.
मैंने उसको अपोज की और वो खत्म हो गया. तो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मेरे खिलाफ कोई फाइंडिंग नहीं है. असल बात यह है कि जनरल साहब ने अपने गले में एक हार लगा दिया है. ये हार अगर जनरल साहब समझते मेरे हैं तो सबसे पहले बताएं कि उसके गले में क्यों है और मेरे गले में क्यों नहीं है. मैं एक ऐसे खानदान से आती हूँ जो पाकिस्तान के सामने है. खास मेरी परवरिश 70 क्लिफ्टन में हुई. बिलावल हाउस में शादी से प्राइम मिनिस्ट्री से पहले मैं गई. नोदेरो हाउस सबके सामने है. आसिफ साहब भी ईआई लाइंस में 10,000 गज के घर में रहते थे. तो जनरल साहब बताएं कि उनका घर कौन सा था जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बने. वो तस्वीर निकालें. मेरे पास नेकलेसेस भी हैं. मेरी शादी की तस्वीर में देखें मैं महंगी सी नेकलेस पहन रही हूँ. ये नेकलेस मेरा नहीं है मगर मेरे पास नेकलेसेस हैं. ये जनीवा का अकाउंट मेरा नहीं है मगर मेरे पास अकाउंट्स हैं. दुख जनरलों को ये है कि मेरे पास प्रिविलेज और लग्जरी लाइफ का मौका है मगर मैंने उस प्रिविलेज और लग्जोरियस लाइफ को मुस्तरद करके अवाम की खिदमत कर रही हूँ. और उनकी दुश्मनी इस वजह से है कि मैं गरीब लोगों की मदद करने चाहती हूँ. आसिफ साहब अगर पैसे से दिलचस्पी रखता तो वो 7 साल अपने कारोबार को तबाह नहीं करता. पहले दिन डील करता कि मैं बाहर निकलूं और पैसे बनाऊं. हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है. हमें अवाम के आंखों में इज्जत की जरूरत है और उनके दिल में मोहब्बत की जगह की जरूरत है और इसलिए हम पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं. दिन की गहमा गहमी के बाद रात गए उन्होंने घर से बाहर आकर अलविदा कहा.